9 बज गए, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। वार्तालाप भी चलाना है। नहीं तो बंबई वालों का नाम आगे हो जाएगा। है हाँ जी, ठीक है। तो क्या करना चाहते हैं, क्या होना है, वो तो सब चलता है। तो गीता पाठशाला खोलने वाले, अभी तो जो बात है, जो क्लास चल रहा है वो बात उठाओ, पर्सनल बातें बाद में। हाँ जी, क्लास और गीता पाठशाला दोनों में फर्क क्या? गीता पाठशाला युगलों के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि हम ब्राह्मणों का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, अपने घर गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना। और क्लास तो कोई भी चला सकता है। चारों ओर से जहां सेंट्रलाइज होकर के एक जगह इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं सेंटर। और उसमें पांडव भी इकट्ठे हों, शक्तियां भी इकट्ठी हों, अधर कुमार अधर कुमारी सभी इकट्ठे हों और सबके लिए व्यवस्था हो, वो हो गया सेंटर। लेकिन भाई भाइयों का ही संगठन चलता है। पांडव भवन खुला हुआ है, पांडव ही उसका मैनेजिंग करता है। वहां शक्तियों का आना जाना नहीं हो सकता। तो सेंटर नहीं कहेंगे, ऐसे ही शक्ति भवन है। वहां पांडव नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रबंध सारा शक्तियों के हाथ में है और वहां शक्तियों के लिए सारा प्रबंध रहता है। लेकिन गीता पाठशाला कहो, उसके लिए डायरेक्शन दिया है। गीता पाठशाला का भी ऐसा रूप बनाओ जैसे मधुबन। मधुबन में तो मोस्टली सरेंडर्ड वर्ग ही रहते हैं, तो क्या जो घर गृहस्थ में रह करके गीता पाठशाला चलाते हैं वो सरेंडर होकर नहीं चल सकते? चल सकते हैं, चाहे तो घर गृहस्थ आश्रम को मिनी मधुबन का भी रूप दे सकते हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी ही होनी चाहिए जैसी मधुबन में होती है, उसे कहेंगे सेंटर। और बाबा मम्मी का पार्टी है, मम्मा यह मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, आगे जाकर के दास राजेश्वरी बने। ठीक है, मतलब किस मम्मा के लिए पॉइंट हो जाता है?
जो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया है उसके लिए क्या बात हो सकती है? नहीं। और जो छोटी मम्मी वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली है, किसके अंडर में रहेगी? है नारायण के अंडर में रहेगी। तो राजा के साथ राजेश्वरी तो कही जाएगी। लेकिन राजेश्वरी का अर्थ होता है राजाओं की ईश्वरी। किनको कंट्रोल करने वाली? राजाओं को कंट्रोल करने वाली। वो है जगदम्बा। इसलिए बोला है खास सिख धर्म में राज करेगा खालसा। राजाई की इच्छा और वो भी विनाशी दुनिया के अंदर। राजाई मिले वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज नहीं है। बाप लक्ष्य देते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो क्या स्टेज होनी चाहिए? इच्छा मात्रम अविद्या। इस विनाशी दुनिया की कोई भी इच्छा करेंगे वो सच्ची साबित नहीं होगी। रुद्रमाला में जो भी हैं वो सब राजाएं हैं। सब एक जैसे राजाएं हैं या नंबरवार हैं? तो जो भी नंबरवार की लिस्ट में आने वाले हैं उन सब की राजेश्वरी। इसलिए बोला है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु उसमें कृष्ण का नाम डाल करके झूठा कर दिया। ये भूल सुधारनी है। जब भूल सुधर जावेगी तो शिव की गीता जो सच्ची गीता है, एक सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। उसके संसर्ग संपर्क में आने से झूठी गीता भी सच्ची गीता बन जाती है। महालक्ष्मी कहा जाता है। राज करेगा खालसा। खालसा माना पवित्र आत्मा है। माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी।
राजाएं स्वर्ग का गेट खोलेंगे, ऐसे क्यों नहीं कहा? कन्याओं माताओं को ये जिम्मेवारी मिलती है तो उनकी बुद्धि पवित्र होने से स्वर्ग के गेट खुलने के निमित्त बन जाती है। बहुत बड़ी राजधानी स्थापन होनी है, पुरुषों को तब तक विजयमाला में ऐड होने का मौका नहीं मिलेगा जब तक विकारों पर पूरी जीत न प्राप्त करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको राज राजेश्वरी कहा गया है उनमें से नारायण को अलग कर दिया जाएगा। राजेश्वरी नाम से भी पहले नाम क्या है? राज। ये राज भरा हुआ है एक के कंट्रोल में रहने का। इसलिए एक सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। सोलह हजार एक सौ आठ है राज परिवार के भांति। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, राजाएं बनने वाले और महाराजा की स्टेज भी पाने वाले। नंबर वार परंतु इन सब सोलह हजार का शासन एक जैसा होगा क्या? कि नंबरवार शासक होंगे? एक होता है दिलों के ऊपर शासन करना और एक होता है जबरियन शासक बनना। सबके दिलों पर शासन करने वाला एक ही है जिसका नाम है ईश्वर। और वो है बेताज बादशाह। जो छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा, बाकी सब नंबरवार की लिस्ट में आ जाएंगे। इंटरनेट में क्या आ रहा है? अरे वहीं से जोर से बोल दो। जो इंटरनेट में आ गया वो तो चारों तरफ फैल गया, उसको कोई रोक सकता है क्या? अरे जो इंटरनेट में डाल दिया गया वो विश्व की कोई भी आत्मा लेने की हकदार बन सकती है। ऐसे नहीं बेसिक वालों को ही सुनाएंगे, एडवांस वालों को ही सुनाएंगे,
सुनने देंगे? वो तो जैसे जनरलाइज हो गया, आम पब्लिक के लिए हो गया। और निरोगी काया पहले बनानी है या जब टोटल विनाश हो जाएगा तब निरोगी काया बनानी? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी तो यही कहते हैं कि जब सत्युग आएगा तो कंचन काया बनेगी। इस दुनिया में तो कंचन काया बन ही नहीं सकती, परंतु बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों को पार ले जाने वाला एक ही खिवैया आया हुआ हूं। आत्मा भी विषय सागर के पार जाएगी और शरीर भी, शरीर रूपी नैया कहो जहाज कहो, ये भी विषय सागर से पार जाएगा या डूब जाएगा। तो शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? है रहेगा। शंकर के जगह में सर्प दिखाते हैं, सर दिखाते हैं, बाजू में सर्प दिखाते हैं, आपके पोजीशन होने का कारण क्या है? शंकर के जगह में भी सर्प है, गले में भी सर्प है, बाजू में भी सर्प है, पोजीशन परिवर्तन होने का कारण क्या है, क्या दिखाया जाता है? अरे कमर में क्या होता है? सांप तो बाजू में भी लिपटा हुआ है लेकिन कमर में खास दिखाया हुआ है, वो है काम विकार की निशानी, वो है अहंकार की निशानी, मैं सबसे ऊंचा हूं, अहमदाबादी हूं। बाबा ये सर जो है कोई कन्या या माता या कोई पुरुष तो माना सर्प ही है या सर्पिणी भी है ये पता चल सकता है क्या? राम पाली छोड़ के भी वो है क्या? वो स्वभाव संस्कार छोड़े या न छोड़े, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन का वृक्ष है विष छोड़ने वाले लिपटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, लेकिन वो वृक्ष विषैला नहीं बनता, सुगंध ही छोड़ता रहता है, उन विषधरों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन उसका प्रभाव विषधरों के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए निशानी दिखाई है। और कौन? हाँ हाँ जी हाँ। शूद्रों को ज्ञान दिया जाता है तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा द्वारा, ये एक स्टेप हुआ बेसिक नॉलेज का, ये प्राइमरी स्तर की पढ़ाई है। शूद्रों को ब्राह्मण बनाना, फिर अगली पढ़ाई कौन सी है? ब्राह्मणों को देवता बनाना। जो ब्राह्मण होगा वो ब्राह्मण बनाएगा और देवताओं में बड़ा होगा तो देवता बनाएगा। इसलिए अंतर पड़ जाता है।
साकार में हम नहीं हैं, आप भी हैं, सब हैं यहाँ साकार। सहज नहीं है लेकिन मुश्किल से तो है। नहीं तो बाबा, कोई भी सेवा के फील्ड में जिसको अपना पार्ट या जिसको अपनी सेवा याद है और जिसको अपना टूलेट लगा हुआ है, तो अगर वो सेवा के फील्ड में करता है तो किसी देहधारी को बीच में मीडियम क्यों बनाया जाता है बाबा? हमारी रूहानी मिलिट्री है, जब रूहानी मिलिट्री है तो मिलिट्री में नंबरवार पोजीशन होते हैं और अनुशासन भी होता है। नीचे वाला ऑफिसर ऊपर वाले ऑफिसर को उंगली उठा नहीं सकता, आंख मिला नहीं सकता। तो यही समझ है ना, जब हमसे कोई अगर कोई पावर कुल ऐसा दिखता नहीं है सही डायरेक्शन देने वाला, तो क्या किसी से पूछ कर भी कदम उठाया जाएगा? जिनको निमित्त बनाया गया है वो उल्लू ने नहीं बनाया होगा। तो आप साकार में जब आप बैठे हैं तो ये तो हम साकार में नहीं बैठे, आप भी साकार में खड़े हुए, ये सब साकार में बैठे हैं। ये तो ब्रह्म कुमारी वाला हो गया ना, जब तक वो माउंट आबू नहीं ले जाएंगे तब तक बाप दादा से मिलन नहीं होगा। ये जबरदस्ती कहाँ है कि माउंट आबू ले ही जाओ? नहीं तो आप जाते हैं ना, जिनको समझ नहीं है बेसिक में तो पागल होते हैं साथ जाने के लिए। तो वो तो मुरली में बोला हुआ है ना कि निश्चय पत्र लिखाओ, वो लिख कर के देवे कि ये हमारा बाप है। अगर बच्चा ही नहीं बना, बाप के घर में पैदा ही नहीं हुआ जा करके, तो बच्चे बनने का क्या प्रूफ? तो बच्चा ही बने रहेगा या बाप का जो काम अधूरा पड़ा उसको भी पूरा करता है? बच्चे जो बोलने वाले हैं वो कितना काम पूरा कर रहे हैं सिवाय लड़ाई झगड़े? लड़ाई झगड़े बाबा, बिना लड़ाई के तो रजाई मिलनी नहीं है। ले लो रजाई, ले लो रजाई। हमारा लक्ष्य लड़ाई लड़ने का नहीं है, हमारी भावना है कि सब एक छतरी के नीचे आ जाएं। बिल्कुल, हमारा यही भावना है जो सब एक हो जाए। और एक छतरी के नीचे आने के लिए एक को पहचानना जरूरी है। जिसने एक को पहचान लिया वो दूसरे को पहचानेगा पहले आपके। वो सभा में कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। लेकिन आप किसकी डायरेक्शन में चलेगा फिर, अगर कोई सेवा का उमंग उत्साह आता है सामने जो हमें ये करना है कार्य? सेवा उसे कहते हैं जिससे कुछ आत्माओं को संतुष्टि मिले। बिल्कुल, ये तो पता है, ये तो अपना उद्धार। और जो आत्माओं को संतुष्टि मिले वो प्रूफ बन जाती है, प्रूफ सामने आता है सेवा का। सेवा का प्रूफ आपको देना है या देधारियों को देना है? कितना आया आपके पास है? जितना आया तो आपने आज तक हमसे पूछा है, आपने हमसे बात की आज तक, इतने सारे हमारी जो सन्मुख आएंगे वो पता नहीं चलेगा? कैसे पता चलेगा, दूसरों को क्यों बताऊं? जिनकी समझ में कोई बात नहीं आती उनको बताने से क्या? छोड़ दो, तो फिर आपको बताना है ना, लेकिन आपसे तो बात ही नहीं होती, तो बताए किसको? हमारी सेवा को। बाबा ने बोला जो अष्ट देव हैं उनके लिए नई दुनिया बनाई है, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा है। उन बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते और बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते, और जो क्रोध करते हैं उनसे बाप मिलेंगे भी नहीं। क्या बोला? बात करना तो दूर हो गया बाबा, क्रोध की तो बात वहां पे आती है ना, भावना भी क्रोध की कौन सी होती है? अगर कोई उस टाइम में ऐसा विलन होता है तो उसको बड़ा दिखाना पड़ता है। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। बिना संतुष्टि के तो इस ज्ञान में कोई चल ही नहीं सकता बाबा, जब तक संतुष्टता किसी को नहीं मिलेगी। चलने वाले चलेंगे और सहन करने वाले सहन करेंगे और देवता बनेंगे। जिस चीज के लिए सहन करें, अपने ऊपर का विघ्न सहन करें या दुनिया के ऊपर आपदा आए, सब कुछ जो फाइनल पेपर होगा उसमें सब तरह की परीक्षाएं आएंगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सहज समय चल रहा है, शांति का पीरियड चल रहा है। इसलिए अव्यक्त वाणी ने बोला अभी शांति के दिनों में धीरज धरो।
अभी शांति का टाइम चल रहा है। घर के तो बाबा आत्मा चल रहा। अगर ऐसे शांति के टाइम में उखड़ जाएंगे तो जो आने वाला टाइम है उसमें तो एकदम फां हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। पढ़ाई नहीं पढ़ो, पढ़ाओ, पढ़ाने वाले को पढ़ाओ, अपने घर के बाल बच्चों को बाद में पढ़ाना, पहले दुनिया वालों को पढ़ाओ। एक आदमी बोलो या वो बोलो, फिर बाद में तुम बोलो। देखो एक काकी अम्मा इधर बैठा दी, एक एक दादी अम्मा पीछे बैठा थी। काकी अम्मा का नाम काकी अंगा अम्मा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आती रहती है, लेकिन उसको रिगार्ड दिया जाता है। और दादी अम्मा का दादी अम्मा इसलिए नाम दिया जाता है कि दादागिरी दिखाती है। और पुष्पा माता ने बहुत सरनामी कराई है, प्रकाश मन पुष्पा माता ने सच्ची जुर्मियों की कराई है। अच्छा हाँ, और आगे चलो न काटती है। एक मिनट, चलो हम चले। अंदर और बाहर और चुप रहो, चुप नहीं जब चुनम नहीं तब नहीं सोचा, न प्रकाश बनी सोच रही, न वेदांती सोच रही, न तुम सोच रहे। चुनम किया या नहीं किया बोलो, बात में वेदांती दिखा रही, प्रकाश बनी दिखा रही, सब क्यों देखते हो? सुनो, वार्तालाप कर लो सबको, बाबा से पूछ लो, दूर हो जा, अंदर और बाहर सबका पता नहीं। ये दिल्ली है, कुरुक्षेत्र का मैदान। क्या दुनिया बन गई क्या? बैठी बैठी चाहे बोली जाओ, चाहे आकार हो, चाहे पुरानी।